हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स, मैं जो आप सभी के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है टीपी लिंक का टाइपो आईपी कैमरा। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो मेरा कैमरा है ये TC70 है, और ये जो बॉक्स है ये है टाइपो का C200, और एक आता है C210। तो ये तीनों का ही प्राइस लगभग इक्वल रहता है, और तीनों का पिक्चर क्वालिटी फीचर सब एक ही जैसा है। तो आपको जो प्राइस रेंज में सस्ता मिले, आप सेल में खरीद रहे हैं या कहीं से भी खरीद रहे हैं, जो आपको सस्ता मिले आप उसे बाय करें और मॉडल के ऊपर ना जाएं। आप अगर इसका चेक करेंगे स्पेसिफिकेशंस में साइट वगैरह पर, तो ये आपको कोई 2 मेगापिक्सल दिखाएगा, कोई 3 मेगापिक्सल दिखाएगा, बट पिक्चर क्वालिटी जैसा कि मैं बता रहा हूँ सेम है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ना फंसें। आप जो सस्ता मिल रहा हो आपको इन तीनों में से, TC70 में से, या C200 या 210, तो आप उसे बाय करें। और अब मैं फ्रेंड्स बात करूं तो बॉक्स में जो पैकिंग में ये कैमरा आता है, तो ये बॉक्स है उसका, उसमें ये कैमरा आता है। वॉल में माउंट करने के लिए क्लिप आती है, प्लास्टिक की होती छोटी सी, उसके साथ में स्क्रू वगैरह आते हैं। पावर केबल आता है, पावर एडाप्टर या पावर केबल जो भी कह लीजिए, पावर केबल एडाप्टर एक ही में इंक्लूड है। ये इस तरह से, ये 9 वोल्ट का अडॉप्टर है। यहाँ पर एक पिन और रहती है, बट वो मैंने हटा दिए, उसका कोई यूज़ नहीं था, मुझे काम नहीं थी तो इसलिए मुझे हटाना पड़ा, तो मैंने हटा दिया है। इसका जो केबल का जो लेंथ है 3 मीटर्स का है। ऑनलाइन अगर प्राइस की बात करी जाए तो 2000 रुपये के आसपास में ये मिलता है, और ये 128 GB तक का मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। गूगल एलेक्सा वगैरह इन सब पर भी वर्क करता है ये। तो इसको मोबाइल में कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ये टैपो की ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है, टीपी लिंक की टैपो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। और अभी मैंने इसे क्योंकि रिबूट किया था तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। रिबूट करने के लिए इसमें नीचे जो है इस जगह पर एक स्विच होता है, उसको थोड़ी देर आप जब प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये रिबूट की मोड में आ जाएगा और खुद से रिबूट करेगा। तो ये ऐप क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, आपको भी ऐसी डाउनलोड कर लेनी है। अब ये रिबूट हो चुका है, अब हम ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये प्लस का साइन बना हुआ है, ऐड डिवाइस पर जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया TC70 है ये, तो ये कैमरे में जाएंगे और TC70 जो है ये है। LED सेम ऐसी जैसे इसमें मेंशन है ना फ्रेंड्स की, ग्रीन और ब्लू ऐसे, ओ सॉरी, ग्रीन और रेड, तो इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। अब हम लोग इसे नेक्स्ट पे करेंगे, जो भी परमिशंस मांगेगा उसे हम लोग अलाउ करते रहेंगे। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसे कॉन्फ़िगर करते समय, तो क्या आपके हॉटस्पॉट्स, अगर आप इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो दोनों को सेम हॉटस्पॉट से सिग्नल मिलने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए ये, और ब्रॉडबैंड में भी यही रहेगा कि सेम ब्रॉडबैंड से ये कनेक्टेड होने चाहिए दोनों डिवाइसेस, यानी कि आपका जो मोबाइल का ऐप है और जो कैमरे का है, तो कैमरा और मोबाइल का जो है कनेक्शन वो सेम सिग्नल से होना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोगों ने, ये मेरा ये है, इससे मुझे कनेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा इसका, हॉटस्पॉट है या ब्रॉडबैंड है, जो भी है उसका ये पासवर्ड हमें फिल कर देना है, बिल्कुल सही पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने भर दिया है फ्रेंड्स, और इसे नेक्स्ट कर देंगे, ऐसे आएगा ये, नेक्स्ट कर देंगे। परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है जो भी मांगता है ये। इसकी सारी सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। Incorrect Wi-Fi password.
इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, बट ऐसा है नहीं, पासवर्ड मैंने सही डाला है। इस चीज़ का आपको फ्रेंड्स मतलब बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका सेम वाईफाई से या मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट होनी चाहिए दोनों डिवाइसेस, आपका कैमरा भी आपका ऐप भी। अभी फ्रेंड्स कॉन्फ़िगर हो गया है, उसके बाद में ये आ जाएगा इस तरह से आपके डिवाइस का नेम एम, उसके नाम आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको इस तरह से कुछ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें आपको कुछ भी ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कस्टम ऐसे ही हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल में कन्फिगर हो जाएगा। अब ये सब जो हैं ये सब मतलब अगर आपने क्लाउड स्टोरेज यूज़ करना है तो उसके लिए सब प्लान है, बट आपका मेमोरी आप एसडी कार्ड अगर लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है। टैपो मतलब आपको क्लाउड स्टोरेज की भी फैसिलिटी देता है, तो वो इसमें मेंशन था, वही दिखा रहा था। ये सब आपको ऐसे कर देना है। अब ये कैमरा जो है हमारा, ये TC70 जो है मेरा ये कैमरा है। अब इसे क्लिक करेंगे और ये लाइव हो गया है फ्रेंड्स। अब ये तो लाइव हो गया, अब इसे मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में फ्रेंड्स यहाँ पे जाएंगे और इसमें बहुत सारी सेटिंग हैं, काफ़ी काम की सेटिंग्स हैं। अब स्टोरेज और सेटिंग भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इसमें पड़ा है। यहाँ पर जाएंगे, दिखा रहा है, और सबसे पहले तो डिटेक्शन पे जाते हैं। इसमें मोशन ट्रैकिंग भी है, अगर मोशन ट्रैकिंग आप ऑन कर देंगे जैसे कि यहाँ पर, तो आप जिधर जिधर मूव करेंगे कैमरा आपको वैसे वैसे ट्रैक करेगा। एग्जांपल में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अरे यार कौन है यार, अब रिकॉर्डिंग का ये जो फ्रेंड्स है ये यहाँ पर आप जो है रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है, कि डिटेक्शन होगा तब रिकॉर्डिंग करनी है कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करनी है या डोंट रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स आपको एडिट पर जाना है। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर ये था फीचर, स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग पर गए, सॉरी ये कहाँ गया, तो हम लोगों को जाना है फ्रेंड्स स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग का सिलेक्ट करने के लिए कि कैसे रिकॉर्डिंग होनी है, मोशन डिटेक्शन पे ही होनी है या कंटिन्यूअस होनी है या रिकॉर्ड नहीं करना है, तो यहाँ पर गए एडिट पर गए, और अगर आपको कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करनी है तो ये ब्लू ऑलरेडी हुआ है, आपको सिलेक्ट ऑल पर कर लेना है। सिलेक्ट ऑल पर आपने ओके कर दिया और ये टोटल ब्लू हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओके कर देना है।
ये आपने कर दिया, अभी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता रहेगा। जितना भी जीबी का मेमोरी कार्ड होगा उस हिसाब से ये उतने दिन की रिकॉर्डिंग्स को ये सेव कर लेगा। अगर ऑनलाइन है कैमरा आपका तो किसी भी समय कहीं से भी आप इसे इसकी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स को कहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, प्लेबैक पर जाएंगे और ये रिकॉर्डिंग्स आपकी पहले की शो कर देगा। यहाँ से अगर आपको ट्रिम करना है, मान लीजिए कि किसी टाइप की रिकॉर्डिंग हो गई, उसको आपको सेव करना है या किसी को भेजना है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ट्रिम करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है सीजर का, इसको ओके करेंगे और उतना क्लिप डाउनलोड कर लेंगे, मार्क कर देंगे। जैसे एग्जांपल में ये जो भी ड्यूरेशन है उसके ड्यूरेशन को घटा और बढ़ा लेंगे और क्लिप को डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक कर देंगे और क्लिप डाउनलोड हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, इसमें भी ध्यान रखना है, ये तभी आपका डाउनलोड होगी क्लिप जब सेम वाईफाई से दोनों डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, तभी आप। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है सेटिंग्स में इन्वर्ट। एक होता है जैसे कि कैमरा आपने ऐसे लगा दिया है पलट करके तो फोटो उल्टा आता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है वीडियो एंड डिस्प्ले पर और इन्वर्ट इमेज लिखी हुई है, अगर आप इसे यूं कर देंगे तो अब देखिए जो इमेजेस हैं वो आपको उल्टी दिखाई देंगी। वीडियो क्वालिटी भी यहीं से हैंडल हो जाएगी। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कैसा आपको सेव करना है, फुल एचडी पर या डेटा सेविंग पर या एचडी पर। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये कैमरा 360 पर काम करता है तो इसे आप ऊपर या नीचे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। उसको कहाँ से करेंगे तो वो है ये पैन टिल्ट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ की इमेजेस को दिखाएगा। राइट लेफ्ट कर सकते हैं। कोई पोजीशन आपको ये है कि अगर मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये एग्जैक्ट एक जगह पे आपको वहाँ पे उसी जगह की मेमोरी वीडियोस चाहिए तो आपको वो पोजीशन आपको मार्क करनी पड़ेगी। तो पोजीशन मार्क करने के लिए मान लीजिए कि इस जगह पे आपको यही पोजीशन चाहिए कि इसी जगह पर आपके वीडियोस को ये शूट करता रहे, रिकॉर्ड करता रहे, तो ये पोजीशन आपको मार्क करने के लिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा इस पर और ये पोजीशन इसने दिखा दिया, इस तरह से सेव कर देंगे। तो ये कभी भी ऑन ऑफ होगा, तो एक बार ये 360 पर रोटेट होने के बाद में जैसे आपने मान लिया ऑफ ऑन किया, पावर कंटिन्यूस इससे नहीं मिल रही है, जब भी आप इसे मतलब डेली जैसे ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं तो ये 360 पे एक बार रोटेट होगा ऑटो, उसके बाद में ये एक जगह पे, इसके बाद ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा जो भी आपने पोजिशन इसमें मार्क कर रखी है। तो लगभग मैंने आपको सभी फीचर्स इसके फ्रेंड्स बता दिए हैं, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। 360 पे पूरा मूव हो जाता है, मोशन ट्रैकिंग भी है इसमें और ये कैमरा है और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का शेड्यूल आपको करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे स्टोरेज एंड रिकॉर्डिंग पर, ये है, यहाँ से आप इसे पूरी रिकॉर्डिंग, आपने ये ब्लू ब्लू होगी तभी ये पूरा रिकॉर्ड करता रहेगा ऑल टाइम, अगर ऐसा नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो वो कहाँ से करना है आपको, रिकॉर्डिंग और शेड्यूल पर गए और ये इस पर एडिट पर जाएंगे और डिटेक्शन रिकॉर्डिंग अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो जब डिटेक्शन होगा उसी समय रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेगा। और कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग पर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल पे कर देंगे और उसके बाद में इसको ओके कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये पूरा ऑल टाइम रिकॉर्ड करता रहेगा जब भी, जब तक कैमरा ऑन रहेगा। पैन टिल्ट आपको मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ से इसे पैन टिल्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है कि जब आप इसे मूव करते हैं तो ये इतना आपने इसको क्लिक किया और ज़्यादा मूव हुआ, आप इसे इसको प्रीसेट को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ये यहाँ क्लिक करेंगे, आप इस प्रीसेट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपने इसको फुल कर दिया। तो आप हल्का सा भी अगर
क्लिक करेंगे तो ज़्यादा मूव हो जाएगा। और आपने ये उसी तरह से अगर आप इसे बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे और उसके बाद में जब आप करेक्ट कर देंगे इसको तो ये क्या करेगा, बिल्कुल आप इसको क्लिक करेंगे बिल्कुल हल्का सा मूव होगा, फिर क्लिक करेंगे हल्का सा मूव होगा, जितना ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे उतना बार ये क्लिक करने पे उतना ज़्यादा ये मतलब मूव करेगा, और बिल्कुल कम पर रखेंगे तो ये बिल्कुल कम मूव होगा। कभी कभी होता है ना आपने मूव करा हल्का सा, मतलब आप हल्का सा मूव करना चाह रहे हैं पर वो ज़्यादा सा मूव हुआ जा रहा है, तो उस चीज़ को सही कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से इसको सेटिंग में जा करके यहाँ से इसको कर सकते हैं। टॉक का सिस्टम इसमें फ्रेंड टू वे टॉक का सिस्टम होता है, तो उसके लिए आपको कॉल पे जाना है और यहाँ पे सिर्फ कॉल का आप इसको ऑप्शन कर देंगे, ये कॉल ऑटो कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जो भी मैं बोलूँगा अपने मोबाइल में उस कैमरे में वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि ये कमरा खाली है थोड़ा सा, इसलिए आवाज़ ऐसी अजीब सी आ रही है। अभी मैं एक दूसरा, मेरे पास ऑलरेडी कैमरा है वो एक शॉप पे लगा हुआ है, तो मैं उससे भी बात करके दिखाऊंगा वहाँ पे या ये कैसा काम करता है। वो मॉडल नेम जो है कैमरे का वो दूसरा है, वो है C210 शायद है, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। वो मेरे पे ऑलरेडी कनेक्ट है ये कैमरा है, कॉल करनी हो इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे और कॉल कनेक्ट हो जाएगी। मनु क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मनु? तो ये दूसरा जो है आपने देखा, अगर आपको कोई किसी खास मतलब कुछ ऐसा हुआ है और उसका फोटो क्लिक करना है तो आप इसे बस कैमरे पे क्लिक कर देंगे और वो फोटो क्लिक हो जाएगी। ये फोटो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। स्पेशल कोई टाइम पे आपको मूवमेंट कोई वीडियो शूट करना है डायरेक्ट ही उसी समय, तो ये रिकॉर्ड कर देंगे उतने टाइम का ही वीडियो शूट कर लेगा, जितनी क्लिप जो है सेव हो जाएगी। फ्रेंड्स ये आपको प्लेबैक और डाउनलोड पर यहाँ पर वो क्लिप जो आपने सेव करी है वो दिखा देगा। डाउनलोडेड में आप यहाँ पर जाएंगे और वो क्लिप आपकी जो डाउनलोड हुई है वो यहाँ पर शो कर जाएगा, जो मैंने अभी आपसे बताया था। फ्रेंड्स तो लगभग मैंने आपको सारे इसके फंक्शंस और फीचर्स फ्रेंड्स बता दिए हैं मैंने आपको, कि कितने प्राइस रेंज में आता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, और भी जो भी इसकी सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी, मोशन ट्रैकिंग है वो भी बता दिया, टू वे टॉक कैसे है वो भी, प्लेबैक वीडियो कहाँ से देखते हैं वो भी बता दिया मैंने, रिकॉर्डिंग्स कहाँ से सेटिंग्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सारे लगभग इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो थी मैंने आपको बता दिया, मेमोरी कार्ड कितने जीबी सपोर्ट करता है 128 वो भी मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया, TC70 C210 और C00 ये तीनों लगभग एक ही कैमरे हैं, पिक्चर क्वालिटी भी लगभग बराबर ही है, तो आपको जो इन तीनों में से सस्ता मिले अगर आपको बाय करना है तो आप उसे ही बाय करें, ये ना सोचेंगे वो महंगा है तो वो शायद अच्छा होगा, पिक्चर क्वालिटी लगभग इक्वल ही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलूंगा एक आपके लिए यूजफुल वीडियो के साथ में। आज का दिन शुभ हो, आप सभी दोस्तों का धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।